मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा। ये बहुत ही छोटा सा और अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक, केवल ईश्वर को खोजें। आपको सर्वप्रथम ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को प्रसन्न करना असंभव है। मैं किसी भी व्यक्ति को अप्रसन्न करने का प्रयास कदापि नहीं करता। मैं अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करता हूँ और मैं केवल यही कर सकता हूँ। मेरा प्रथम लक्ष्य ईश्वर को प्रसन्न करना है। मैं अपने हाथों को ईश्वर की आराधना में प्रार्थना करने के लिए प्रयोग करता हूँ, अपने पैरों को उन्हें हर जगह खोजने के लिए और अपने मन को यह सोचने के लिए प्रयोग करता हूँ कि वे हर जगह विद्यमान हैं। प्रत्येक विचार रूपी सिंहासन पर ईश्वर विराजमान होने चाहिए, यानी कि आपका हर एक विचार ईश्वर से समर्पित होना चाहिए। शांति के रूप में ईश्वर, प्रेम के रूप में ईश्वर, दयालुता के रूप में ईश्वर, विवेक के रूप में ईश्वर, करुणा के रूप में ईश्वर और ज्ञान के रूप में ईश्वर, हर जगह, हर स्थिति और हर विचार में ईश्वर को सर्वप्रथम स्थान दें। आपको केवल यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, अन्य कुछ नहीं। योगदास सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप द्वारा सिखाई जाने वाली ध्यान की प्रवृत्तियाँ सीखें। अच्छी संगति में रहें, दूसरों की तरफ ध्यान न देकर केवल ईश्वर की ओर देखें। केवल ईश्वर को खोजें और प्रतिदिन इस कार्य के विषय में दूसरों को बताएं। प्रत्येक दिन कुछ लोगों के लिए कुछ भला करें। जब तक मेरी जेब में पैसा रहता है, मैं कदापि बांटना बंद नहीं करता। ईश्वर मेरा बैंक है। अंत में तुम्हें ईश्वर को अवश्य जानना चाहिए, जैसे महापुरुषों ने उन्हें जाना है। यदि आप प्रवृत्तियों का, टेक्निक्स का अभ्यास करेंगे तो आप अपने प्रयासों द्वारा उन्हें प्राप्त कर लेंगे। एक दिन मैं आश्रम के बाहर टहल रहा था और अपने महान गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के विषय में सोच रहा था और उनके बारे में आश्चर्यचकित हो रहा था कि मैं सुंदर आश्रम का आनंद ले रहा हूं और वे मेरे साथ इसका आनंद नहीं ले रहे हैं और वे यहां पर नहीं हैं। अचानक आकाश में साकार रूप में वे मुझे दिखाई दिए और कहने लगे, तुम सोचते हो कि केवल तुम इस स्थान का आनंद ले रहे हो, मैं इसका पूरे आकाश से आनंद ले रहा हूँ। आपको ईश्वर के साथ एक होने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। नित्य ध्यान का अभ्यास करें और उन्हें गहनता से प्रेम करना सीखें। अपने पड़ोसियों को अपनी तरह प्रेम करना सीखें। युद्ध को टालने का केवल यही एक तरीका है। आपस में आध्यात्मिक सहयोग होना चाहिए। आध्यात्मिकता के बिना कहीं भी प्रसन्नता नहीं हो सकती, चाहे राष्ट्र की हो अथवा व्यक्तिगत या घरेलू, और आनंद व्यक्ति से ही आरंभ होना चाहिए। सभी समस्याओं का समाधान केवल ईश्वर का संपर्क है, चाहे वे भौतिक हैं, आर्थिक हैं, वैवाहिक हैं, नैतिक हैं अथवा आध्यात्मिक। सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, ईश्वर संपर्क। प्रसन्नता यह अनुभव करने से आती हैं कि आप ईश्वर के साथ एक हैं, कि आप ईश्वर की संतान हैं, विश्व के राजा के युवराज। आप कोई भिखारी संतान नहीं हैं। आपने स्वयं को शरीर में बंदी बना लिया है क्योंकि आपको परमपिता का ज्ञान नहीं है। आपको इस जेल से अपने को अवश्य मुक्त करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने मन को ईश्वर पर लगाना सीखना चाहिए, तब आपको महान शांति और आनंद प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मन पूर्ण रूप से मुझ में लगा है, जिन्होंने अपने स्वयं को मुझ में अर्पित किया हुआ है, एक दूसरे को ज्ञान बांटते हुए सदा मेरा गुणगान करते हुए, वे मेरे भक्त निरंतर संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व शांतिपूर्वक बैठें, अपनी इंद्रियों और विचारों को शांत करें और गहरा ध्यान करें। तब परमात्मा की महान रचनात्मक शक्ति
आपका मार्गदर्शन करेगी। आप जो कुछ भी करना चाहते हों इसके बारे में तब तक सोचें जब तक आप उस विचार में खो न जाएं। बार बार चिंतन करें और योजना बनाएं। तब थोड़ा समय लें, तत्काल किसी कार्य को आरंभ न करें, एक कदम उठाएं और फिर और अधिक सोचें। आपको भीतर से कुछ बताता है कि क्या करना है, इसे करें और कुछ और अधिक सोचें। आगे का कुछ और मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान में भीतर गहरे जाना सीखकर आप अपनी चेतना का आत्मा की अधिचेतना से संपर्क कर लेंगे, जिससे आप अनंत इच्छा शक्ति, धैर्य, अंतर्ज्ञान के साथ सफलता के उन विचार बीजों को उत्पन्न कर सकेंगे। जैसे ही आप एक सही विचार को सोचते हैं, इसे कर डालें। कुछ लोगों के पास कोई अच्छा विचार तो होता है, परंतु वे इस पर पूरी तरह से विचार करने और काम करने के लिए दृढ़ नहीं होते। आपके पास साहस, दृढ़ता अवश्य ही होने चाहिए और सोचें, मैं अपने विचार को फलीभूत होते देखूंगा। ऐसा हो सकता है कि मैं इस जन्म में विजय प्राप्त न कर सकूं, परंतु मैं प्रयास करूंगा। सोचें और कार्य करें, सोचें और कार्य करें। यह है आपके मानसिक विकास करने की विधि। प्रत्येक विचार एक लघु बीज है, परंतु आपको इसे उपजाना पड़ेगा। ऐसे अनेक लोग विचारों के जगत में कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु जब कठिनाइयाँ आती हैं तो वे प्रयास छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने अपने विचारों की अति प्रबलता से मानस दर्शन किया है, केवल वे ही उन्हें भारी रूप में अभिव्यक्त कर पाए हैं। रचनात्मक विचार में कल्पना, चित्रण करने और मानस दर्शन करने की शक्ति एक अति महत्वपूर्ण घटक है, परंतु कल्पना को दृढ़ धारणा के रूप में परिपक्व करना पड़ता है। उसे आप शक्तिशाली इच्छा के बिना नहीं कर सकते, परंतु आप यदि किसी वस्तु की कल्पना अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति से करते हैं तो आपकी कल्पना दृढ़ धारणा में बदल जाएगी। और जब आप सभी विरोधों में भी उस दृढ़ धारणा पर टिके रहेंगे तो यह सत्य होकर ही रहेगी। छोटे कार्यों की मानसिक रूपरेखा बनाएं और उन्हें मूर्त रूप देते रहें, जब तक कि आप अपने बड़े सपनों को भी साकार नहीं कर लेते। सफल व्यक्ति वे हैं जिन्होंने इस धरा पर जो कुछ भी निर्माण या उत्पन्न करने की इच्छा की है उसका अमिट प्रारूप तैयार करने के लिए अपने मन में पर्याप्त पूर्ण विचार कर लिया हो। इच्छित परिणाम या वस्तु को वास्तविक जीवन में साकार रूप देने के लिए वे रचनात्मक दक्षता रूपी वित्त सहयोगी से समर्थित अपनी इच्छा शक्ति के ठेकेदार के रूप में, अपनी पूर्ण एकाग्रता के बढ़ईयों के रूप में, अपने मानसिक धैर्य की आवश्यक श्रमिकों के रूप में काम पर लगाते हैं। जब भी आप कुछ निर्मित करना चाहते हैं तो बाहरी स्रोत पर निर्भर न रहें, गहरे जाएं और अनंत स्रोतों को खोजें। व्यावसायिक सफलता की सभी विधियाँ, सभी आविष्कार, संगीत की सभी तरंगे और सभी प्रेरणात्मक विचार एवं लेख ईश्वर के रिकॉर्ड में अंकित हैं। ईश्वर के साथ अपनी प्रगति पर कार्य करें। यह सभी रचनात्मक विचारों के सबसे अधिक महत्वपूर्ण युक्ति है। जय गुरु जी।